आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत बने मियांवाला फ्लाईओवर के निर्माण की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करते हुए कूच किया, जहां उन्हें पुलिस द्वारा विधानसभा भवन के पास ही रोक लिया गया, जिसके बाद सभी आप कार्यकर्ता विधानसभा के पास ही सड़क पर बैठ गए और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान आप नेता राजू मौर्य ने कहा कि मियांवाला में बने फ्लाईओवर की दोनों तरफ बनी दीवारें गंभीर स्थिति में हैं और इस पुल का निर्माण पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के शासनकाल में हुआ, जो इतनी जल्दी धराशायी होने की स्थिति में पहुंच चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पुल के पास बनी सर्विस लेन से रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं और ऐसे में अगर ये पुल धराशायी हो जाए तो ना जाने कितनी जाने इस हादसे में जा सकती हैं। डोईवाला से संवाददाता महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज हमने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो वर्तमान विधायक हैं डोईवाला के, उनके आवास पर प्रदर्शन किया और हमारी सीधे सीधे मांग है कि जो डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मियांवाला फ्लाईओवर, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितताएँ हैं, वो फ्लाईओवर कभी भी गिर सकता है। उसने अपनी दोनों साइड से जो स्लैब्स हैं उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। राजनीति किए बगैर हम लगातार शासन प्रशासन सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस फ्लाईओवर का जो है ट्रीटमेंट हो। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या समय रहते इसका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और हम इस फ्लाईओवर के निर्माण एजेंसियों की सीबीआई जांच की मांग भी करते हैं। 100% इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें घोटाला हुआ है, तभी इतनी जल्दी, एक साल भी पूरा नहीं हुआ और ये फ्लाईओवर गिरने की कगार पर है। तो जल्द से जल्द इसका जो है पुनर्निर्माण का कार्य और इंस्पेक्शन होना चाहिए ताकि बड़ा हादसा टल सके।